दिल्ली रोहिणी में आवेल शाळाना शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले जणाव्युं के भाजप अमारी विरुद्ध जेटला पण षड्यंत्र रचे परंतु कई थवानुं नथी, हुं तेमने बराबर सामनो करवानो छुं, तेमनी सामे झुकीश नहीं। केजरीवाले दावो करता कह्युं छे के भाजपमां सामेल थई जाओ तो तमने बचाववामां आवशे तेवुं कहेवामां आव्युं, परंतु हुं तेमां सामेल थवानो नथी, हुं शा माटे भाजपमां जाउं, मैं कंई खोटुं काम कर्युं नथी। दिल्ली में शाळा होस्पिटलोनुं निर्माण कराव्युं छे, लोको माटे पाणी अने ड्रेनेज जेवी पायानी सुविधाओ उपलब्ध करावी छे। मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला, और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में, नहीं आते बीजेपी में? बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं, कौन सा गलत काम किया? भाजप पर आप पार्टी ना धारासभ्य खरीदवानो आरोप लगावनार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ना मंत्री आतिशी मालिनाना निवास स्थान पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। क्राइम ब्रांच की टीम जयरे आतिशी निवास स्थाने पहुंची त्यारे घरे हाजर नहोता, लगभग चार थी पांच कलाकनी राह जोया बाद मंत्री ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी नोटिस पाठवामां आवी छे। सूत्रों पास थी मळती माहिती प्रमाणे क्राइम ब्रांचे आ मामला में केजरीवाल पासे पण जवाब मांग्यो छे अने पुरावा रजू करवा कह्युं। आप द्वारा लगावामां आवेल आरोप पर दिल्ली भाजपना प्रमुख वीरेन्द्र सचदेवाना नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडले 30 जान्युआरी शहरना पोलीस प्रमुख साथे मुलाकात करी अने आरोपोनी तपास करवा मांग करी हती। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। हमारी ही कंप्लेन थी, हम लोगों ने कंप्लेन की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी ने कंप्लेन की थी कि जिस तरह से सब कुछ हो रहा है एक गलत है, एमएलए सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल ये भी उठता है। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी वो है तो आपको सामने आके उन लोगों के नाम बताने होंगे। दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीमें भाजप पर आम आदमी पार्टी ना धारासभ्य ने खरीदवाना आरोप ना मामला में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पण नोटिस पाठवी छे। आ विषय प्रतिक्रिया आपता आम आदमी पार्टी ना नेता जसमीन शाहे जणाव्यू कि दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाले नोटिस पाठवा मांगती हती, परंतु पांच कलाक सुधी राह जोया बाद सीएमओ ना अधिकारी ने पाठवी ने रवाना थई गई। क्राइम ब्रांचे पाठवेली नोटिस में एफआईआर समन्स के प्राथमिक तपास नो उल्लेख करायो नथी, तेमा आईपीसी के सीआरपीसी सहित नी कलमोनो पण उल्लेख नथी, आ मात्र सफेद कागड़ पर पत्र समान छे। आप सबको पता है कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। पांच घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम ऑफिस सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी, ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है, केवल और केवल व्हाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी ना केटलाक अन्य नेता पर करवामां आवेली कार्यवाही विषय बात करता उद्धव ठाकरे समूहनी शिवसेना ना नेता प्रियंका चतुर्वेदीए जणाव्युं छे कि एक तरफ भाजप लोकसभा की चूंटणी में 400 वधु बैठकों जीतवानो दावो करे छे, ज्यारे बीजी तरफ तपास एजेंसीओ विपक्ष नेताओं विरुद्ध कार्यवाही करे छे। તેમણે દાવો કર્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરી રહી છે, વિપક્ષના નેતાઓને નિશાનો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને જો તેઓ પક્ષ પલટો કરી ભાજપમાં સામેલ થાય છે તો તેમની વિરુદ્ધ અટકાવી દેવામાં આવે, આ ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે। प्रोसेस कहाँ फॉलो करते हैं जब पॉलिटिकल हैरेसमेंट होता है, तो ये कुछ नहीं है, राजनीति से प्रेरित है, ना नियम कानून का पालन हो रहा है, बस यही है कि किस तरीके से विपक्ष को घेर कर रखें
अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर ईडी पीएमएलए कोर्ट गई है वो समन्स को लेकर, पर सच्चाई ये है कि आप देखिए किस तरीके से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी प्रोएक्टिव है जहां जहां विपक्षी लोगों पे कार्रवाई चल रही है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल जिन पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 97% जो लोग विपक्ष में हैं उनके ऊपर हो रहा है। असम गुवाहाटी में जाहिर सभा ने संबोधित करता पीएम मोदी 11,600 करोड़ रूपया प्रोजेक्ट नु लोकार्पण और शिलान्यास कर्यो। आ योजना थकी प्रदेश में रोजगारी की नवी तक उपलब्ध थशे। वडाप्रधान ने मां कामाख्या एक्सेस कोरिडोर नो शिलान्यास कर्यो। आ प्रोजेक्ट पूर्ण थता यात्राळुओं ने विश्व कक्षा की सुविधाओं मळशे। आसाम अने तेना आसपासना क्षेत्र में शांति स्थापित थई गई छे। 7,000 थी वधु लोकोए हिंसा नो मार्ग छोड़ी विकास में सहभागी बन्या छे। आ माटे ज केटला क्षेत्र में एएफ एसपीए हटावामां आवी छे। नाना लक्ष्य राखी कोई देश के राज्य झड़पथी विकास करी शकतो नथी। आज असम में देखिए सालों साल से जो इलाके शांत थे वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। महाराष्ट्र सरकार ना मंत्री छगन भुजबल ना निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता उद्धव ठाकरे शमूनी शिवसेना ना नेता संजय राउते जणाव्यु के जो कोई व्यक्ति कैबिनेट के सरकार विरुद्ध कोई निवेदन आपे छे तो तेने मंत्रिमंडल में रहेवानो कोई अधिकार रहतो नथी। प्रदेश ना मुख्यमंत्री तात्कालिक तेमने मंत्री पद पर थी दूर करवा जोईए। राउते दावो कर्यो छे के जो कोई कैबिनेट में काम करवा मांगतो नथी अने ओबीसी माटे काम करवा मांगे छे अने आना विषे राजीनामु आपवा मांगे छे अने ते मंजूर थतो नथी तो आ बन्ने नी मिली भगत छे। ओबीसी मराठा समाज तमाम तेमनो अधिकार मळवो जोईए। आप ओबीसी के लिए काम करना चाहते हो और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, ये दोनों की मिली भगत है। मैं इस्तीफा देने का नाटक करता हूं, आप मंजूर मत कीजिए या आप इस्तीफा दीजिए, हम मंजूर नहीं करेंगे। कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी विषे प्रतिक्रिया आपता बहुजन समाज पार्टी ना नेता मलूक नागरे जणाव्युं छे कि ज्यारे आ गठबंधन की रचना करवामां आवी हती त्यारे अमे तेमां सामेल थया नहोता। तमाम लोको अमारा पर आरोप लगावता हता कि अमारी पार्टी सीबीआई ईडी सहित की तपास एजेंसीओ थी डरे छे। वर्तमान समय में धीमे धीमे राजकीय पक्षों इंडिया गठबंधन थी अलग थई रह्या छे। कांग्रेस आ गठबंधन ने नबळू पाड्यु छे। कांग्रेस ना अध्यक्ष सनातन धर्म विरुद्ध निवेदन आपे छे। कांग्रेस ना नेता मंदिर नी मुलाकात ले छे अने पछी सनातन धर्म विशे विवादास्पद निवेदन आपे छे। आ गठबंधन में सौथी मोटी पार्टी होवाने कारणे बताने साथे राखवानी जवाबदारी कांग्रेस नी छे। वर्ष 2024 में भाजपनी सरकार नी रचना माटे कांग्रेस जवाबदार हशे। असली बात ये है कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है, इसीलिए 3 साल ये अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए और जिस दिन अध्यक्ष बना उसने अध्यक्ष ने आते ही पहले दिन सनातन के खिलाफ बोला। उसके ठीक दूसरी तरफ जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। ये लोग मोए लीडरशिप नहीं है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि अपने सारे जितने साथी हैं इनके, हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन उनको लगा के रखें और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। राजस्थान में भाजपा प्रभारी अरुण सिंह जणाव्यु कि केंद्रीय चूंटणी समिति द्वारा जे निर्णय लेवामां आवशे ते प्रमाणे लोकसभा की चूंटणी में उम्मीदवारों ने टिकट की फाळवणी करवामां आवशे। चालू वर्षे योजावनारी लोकसभा चूंटणी में भाजप तमाम 25 बैठक पर जीत मेळवशे। राजस्थान सहित देशना लोको पोतानो मत आपी पीएम मोदी ने त्रीजी वार वडाप्रधान बनावशे। राजस्थान सरकार विशे वात करता तेमणे कह्युं कि अमारी सरकार जनहित में काम कर्या छे। प्रदेश में
गैसना सिलिंडरना भाव घटाड़ा है और पेपर लीक केस में तपास माटे एसआईटीनु गठन पण करवामां आव्युं छे। देश ने विकसित राष्ट्र बनावाना विजन में राजस्थान सरकार पोतानो संपूर्ण सहयोग आपशे। देखिए एक ही लक्ष्य है कि दो बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है और इस बार भी यह लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे जीतेंगे, सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए और उसी के साथ साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी शपथ लें। अरे भाई सरकार का सरकार के बारे में सरकार से पूछे, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, वही सरकार है, अच्छी होती है, जन हितैषी होती है, जनता की सेवा करती है, जनता के लिए निर्णय लेती है। हमारी सरकार भजन लाल जी की सरकार ने जैसे मैंने कहा गैस सिलेंडर से लेकर एसआईटी के गठन से लेकर के अनेकों काम किया है। कांग्रेस ना वरिष्ठ नेता जयराम रमेश शनिवार लालकृष्ण अडवाणी ने भारत रत्न एनायत करवा पर प्रतिक्रिया आपी और कहूत के तत्कालीन वडाप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2002 में नरेन्द्र मोदी ने राजधर्म नो पाठ याद करायो हतो अने तेमने सीएम पद पर हटावा मांगता था, जो कि मात्र एक ज व्यक्ति तेमने बचाव्या अने ते अडवाणी हता। तमने जणावी दिए कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस नी बे बोगी में आग चंपी करवानी घटना बाद गुजरात में तूफान फाटी निकल्या हता। ते समय नरेन्द्र मोदी गुजरात ना मुख्यमंत्री हता। मोदी सरकार ना कार्यकाल दरमियान नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणव मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीया भारत रत्न थी सम्मानित करवामां आव्या छे। हवे तेमां कर्पूरी ठाकुर अने लालकृष्ण अडवाणी नुं नाम पण जोड़ाई गयुं छे। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने कुंभी ज्ञाति सर्टिफिकेट आपीने ओबीसी अनामत लाभ आपवानो मुद्दो स्फोटक बनतो जाय छे। छगन भुजबळ सहित ओबीसी नेता मुद्दे एकनाथ शिंदे सरकार में राजीनामु आप विचारी रहा हो एनडीए नेता ऊंचानिया थी गया है। मराठा समुदाय ने ओबीसी अनामत लाभ आप विरोध की आगेवानी भुजबळ लीधी है। भुजबळ ओबीसी एलगनना माध्यम थी विरोध कर रहा है। भुजबळे पोते राजीनामु आपी दीधु हो दावो है। भुजबळनु कहेवुं छे कि पोते त्रण महीना पहला राजीनामु धरी दीधु हतु पण ते स्वीकारायु न हतु। भाजपना नेता स्वीकारे छे कि मराठा अनामतने मुद्दे भाजप शिवसेना माटे बावाना बेव बगड्या जेवो घाट थई शके छे। सत्तावार निवेदन अनामत न आपता मराठा समुदाय ने असंतोष छे अने मराठाओने कुणबी सर्टिफिकेट अपाता ओबीसी समाज नाराज छे। बंनेनी नाराजगी लोकसभा चूंटणीमां भाजपने भारे पड़ी शके छे। लोकसभा की चूंटणी आवता ज राजस्थान में जाट अनामत आंदोलन शुरू थता भाजप चिंता में है। आ आंदोलन उग्र बनी रह्यु छे अने 7 फेब्रुआरीए मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रक ट्रेक तथा नेशनल हाईवे ने जाम करवानुं एलान करायुं छे। जाट समुदाय ने अनामत की मांग साथ भरतपुर अने ड्रोलपुरना जाट छेल्ला 20 दिवस थी जय चौली में महापड़ाव नाखीने बैठा छे। जाट आरक्षण संघर्ष आज समिति है तेने केन्द्र सरकारे आ मुद्दे चर्चा माटे बोलावा 3 फेब्रुआरी सुधीनो समय आप्यो हतो पण केन्द्र सरकारे कोई प्रतिसाद न आपता छेवटे समिति आंदोलन ने उग्र बनावानो निर्णय कर्यो। लोकसभा की चूंटणी में जात मतदारों भाजप थी नाराज रहे तो राजस्थान में 25 मांथी 10 बैठक पर तेनी असर पड़ी शके छे। राजस्थान में जाट समुदाय लांबा समय थी अनामत की मांग कर रहा है पर तेमनी मांग स्वीकाराई नथी। चूंटणी आवे त्यारे जाट नेता सड़बड़ाट बताने आंदोलन शुरू करे પણ પીછે હટી જાય છે। આસામના મુખ્યમંત્રી હિંમત બિસ્વા શર્મા ભાજપના પ્રચાર અને લગ્નોમાં જવા માટે સરકારી ખર્ચે ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ કરીને પ્રજાના નાણાંનો ધુમાડો કરી રહ્યા હોવાનો વિવાદ ઉભો થયો છે। શર્માએ ચાર્ટર ફ્લાઇટ્સ પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા હોવાનો દાવો કરીને છપાયેલા મીડિયા રિપોર્ટ્સના કારણે શર્મા પર પસ્તાળ પડી રહી છે। ચીફ મિનિસ્ટર્સ ઓફિસ દ્વારા આ વાતોને ખોટી ગણાવી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શર્માના પ્રચાર કે સામાજિક કાર્યક્રમ માટે હેલિકોપ્ટર્સ કે પ્લેન ભાડે લેવામાં આવ્યું છે અને તેનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ભાજપે ઉઠાવ્યો છે। ભાજપે ચેક દ્વારા કે પછી મની ટ્રાન્સફર દ્વારા તેની ચૂકવણી કરી છે। એકાદ કિસ્સામાં યોગાનુયોગ સરકારી કાર્યક્રમમાં જવાનું બન્યું હોય અને સાથે સામાજિક કાર્યક્રમમાં પણ જવાનું બન્યું છે।
अलबत्त सीएमओए भाजपा द्वारा चुकवणीना कोई पुरावा आप्या नथी। सामे मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार द्वारा चुकवणीना पुरावा मुकवामां आव्या छे। लालकृष्ण अडवाणी पछी हवे मोदी सरकार कांशीराम ने भारत रत्न आपवानी जाहेरात करी तेवी अटकळो तेज थई छे। बहुजन समाज पार्टीना स्थापक कांशीराम दलितोमां डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पछीना सौथी मोटा नेता मनाय छे। उत्तर प्रदेशमां दलित मतदारो हजुई कांशीरामना मसीह माने छे, जेथी आ मतबैंकने पोतानी तरफ वाळवा माटे मोदी सरकार कांशीरामने भारत रत्न आपशे तेवो दावो भाजपना सूत्रो करी रह्या छे। भाजपना सूत्रोनुं कहेवुं छे कि यूपीमां बसपानो राजकीय प्रभाव खत्म थई गयो छे, तेथी बसपा समर्थक दलित मतदारो मूंझवणमां छे। कोंग्रेस अने समाजवादी पार्टी पर तेमणे भरोसो नथी, तेथी कांशीरामने भारत रत्न अपाय तो भाजप तरफी वळवामां तेओ संकोच नहीं करे। लोकसभानी चूंटणीमां अखिलेश यादव ओबीसी अने मुस्लिम मतबैंक पोतानी तरफ वळवा सफळ थाय तो पण दलित मतदारो साथे होय तो नुकसान न थाय तेवी भाजपनी गणतरी छे। जम्मू काश्मीर में शीतलहरनी स्थिति यथावत छे। केन्द्रशासित प्रदेश घणा क्षेत्र में भारे वरसाद अने हिमवर्षा थवानी संभावना छे। हिमवर्षा प्रभावित क्षेत्र में ट्रावेल एडवाइजरी जाहिर कराई छे। आ साथे ज श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग गुरेज सहित काश्मीर घणा पहाड़ी क्षेत्र में हिमवर्षा थई छे। हिमवर्षा ने कारण प्रवासन स्थल रणसर नाथा टोप रोड बंद कर दीवामां आव्यो छे। खराब हवामान वच्चे भारे पवन ने कारण कटरा सांजी छठ हेलिकॉप्टर सेवा पण प्रभावित थई। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय धोरीमार्ग अने राजौरी पूंछथी शोपिया जिल्लाने जोड़तो मुगल रोड पहलेथी ज बंद कर दीवायो छे। तो काश्मीरना मोटाभागना जिल्लाओमां रात्रे लघुत्तम तापमान शून्यथी नीचू छे। लेहमां दिवसनुं तापमान -3.0 अने गुलमर्गमां -5.4 डिग्री सेल्सियस हतुं, जे सामान्य करता 4.0 डिग्री ऊंचू छे। बहुत सुंदर जो सुना था कश्मीर के बारे में और आज लाइव देख लिया है, और इसी नज़ारे को देखने के लिए मैं बहुत सुबह बाहर निकला हूँ और लाल चौक वगैरह तक घूम के आया, और मतलब ज़्यादा ठंड ना लगे चलते हैं वापस। बहुत ही खूबसूरत, मतलब पहले एक दो बारी निराशा हो गई थी कि भाई स्नोफॉल होगा नहीं, बट जो है परसों से जो है बहुत अच्छा लगा है, और आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही स्नोफॉल होता रहे और लोगों की जो फसलें हैं जो यहाँ के जो है क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर और पानी वगैरह की जो समस्या थी, लोग निराश हो रहे थे कि फसल इस बार ठीक नहीं होगी, और इंशाल्लाह अभी जो है बर्फबारी होगी तो उम्मीद है कि उनकी फसलें भी ठीक हो जाएगी। यूपी पंजाब हरियाणा अने दिल्ली एनसीआर में हवामाने पलटो लीधो छे। वहेली सवारथी ज झरमर अने हळवा वरसादनी गतिविधिओ जोवा मळी छे। हवामान विभागना जणाव्या अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे देशभरमां हवामानमां फेरफार जोवा मळी रह्यो छे। आ साथे ज पहाड़ी विस्तारोमां पण भारे हिमवर्षा शुरू थई छे। देशनी राजधानी दिल्ली सहित यूपी हरियाणा राजस्थान अने पंजाबमां आजे एटले के 4 फेब्रुआरी हळवो वरसाद थवानी संभावना हती। आ सिवाय उत्तर प्रदेशना केटलाक विस्तारोमां करा पण पड़ी शके छे, तेमज राजस्थान हरियाणा दिल्ली अने पश्चिम उत्तर प्रदेश घणा भागोमां छूटाछवाया वरसादनी शक्यता छे। तेज समय पंजाब आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश अने नागालेंडना केटलाक भागोमां हळवो वरसाद पड़ी शके छे। केरळमां एक अथवा बे स्थळोए हळवाथी खूब ज हळवा वरसादनी शक्यता छे। आ सिवाय ओडिशाना केटलाक भागोमां सवारे गाढ धुम्मस छवाई शके छे। मध्य अने दक्षिण चिलीना गीच विस्तारोमां आसपासना जंगलमां भीषण आग फाटी निकळी। आ भीषण आगमां 46 लोकोना मौतना अहेवाल छे, तेमज मृतकोनी संख्यामां वधारो थवानी पण शक्यता छे। आगने कारणे 1100થી વધુ મકાનો બળીને ખાક થઈ ગયા છે। જો કે ચિલીના જંગલોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ નવી વાત નથી, પરંતુ આગ લાગવાને કારણે અનેક લોકોના મોત થયા છે। અહીં તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર પહોંચી ગયું છે અને આ જ કારણ છે કે સંકટ વધારે થઈ ગયું છે। આગ મુખ્યત્વે દરિયાકાંઠે આવેલા વાલપરાઈસો પ્રવાસી વિસ્તારની આસપાસ ફાટી નીકળી છે, જ્યાં હજારો હેક્ટર જંગલનો નાશ થયો છે। સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આગ ફેલાઈ રહી છે, જેના કારણે સંકટ વધુ ગહેરું બની રહ્યું છે। ભયાનક આગને કારણે ચીલીની સરકારે કટોકટીની સ્થિતિની જાહેરાત કરી છે। મધ્ય પૂર્વ ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે। આવા સમયે
जॉर्डन में अमेरिका ना बेस पर आतंकवादियों ना हुमला में त्रण अमेरिकन सैनिकों ना मौत थया हता। आ हुमला नो बदलो लेवानु शुरू करता अमेरिकाए शुक्रवारे मोड़ी रात्रे इराक अने सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी जूथ ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड अने तेना समर्थित आतंकवादी संगठन ना 85 स्थलों पर एर स्ट्राइक करी हती, जेमां 40 आतंकियों ना मौत थया छे। अमेरिकाए सीरिया में 4 अने इराक में 3 स्थलों पर मिसाइल थी हुमलो कर्यो, जेमां B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रॉकेट मिसाइल अने ड्रोन स्टोरेज स्थलों ने निशाने बनावाया। अमेरिकन प्रमुख बाइडेने शुक्रवारे रात्रे हुमला पछी कह्युं हतुं के अमेरिका मध्य पूर्व में अथवा दुनिया ना कोई पण जग्याए युद्ध इच्छतुं नथी, परंतु अमने नुकसान पहोंचाड़वा इच्छता लोकोने हुं कहेवा मांगु छुं के तमे एक पण अमेरिकन ने नुकसान पहोंचाड़शो तो अमे आकरी प्रतिक्रिया आपीशुं। जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर हुमला अंगे अमारी प्रतिक्रिया आजथी शरू थई छे अने त्यांनी जग्या अने समय अमे निश्चित करीशुं। अमेरिकन प्रमुख जो बाइडने दक्षिण कैरोलिना योजायेली डेमोक्रेटिक प्राइमरी चूंटणी में जीत मेळवी छे। जो बाइडन शनिवारे दक्षिण कैरोलिना मिनेसोटा प्रतिनिधि डीन फ्लिप्स अने लेखक मरियान विलियम्स सहित अन्य लांबा समय में डेमोक्रेटिक्स ने हराव्या हता, तो आज साथे जो बाइडन पक्ष तरफ थी उम्मीदवार में टोच पर छे। बाइडने पण दक्षिण कैरोलिना में मळेली जीत पर खुशी व्यक्त करता कहूं कि आ जीत तेमना अभियान ने सफळताना पंथे आगळ लई जशे। दिल्ली लीकर पॉलिसी केस में ईडीए दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामे तपास में सहयोग करवा माटे पाठवामां आवेल समन्स ना नियमोनुं पालन न करवा बदल राउज एवन्यू कोर्ट समक्ष नवी फरियाद दाखल कराई छे। दिल्लीनी राउज एवन्यू कोर्ट समक्ष आईपीसी नी कलम 174 हेठळ जाहेर सेवकना आदेशनुं पालन न करवुं अने ईडी द्वारा जाहेर करवामां आवेल समन्सनुं पालन न करवा बदल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टनी कलम 50 हेठळ फरियाद दाखल कराई। अत्यार सुधीमां केन्द्रीय तपास एजेंसी अरविंद केजरीवाल ने 5 वक्त समन्स जाहेर कर्युं छे, जेमां तपास माटे हाजर रहेवा कहेवायुं हतुं।